देवखाना देव भैया दो चार छक्का तो मारो, चांस तो दो किसी को आउट करने का। ओ नहीं 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 देना है, उनको पता है साला अपन का नाम को बहुत धोखा मिला है, किसी पे विश्वास नहीं करना है। एक बार शिल्पा शेट्टी पे विश्वास किया था, वो भी धोखा दे गई। दूसरी बार ऐश्वर्या राय पे विश्वास किया, वो भी धोखा दे गई। तो विश्वास करना ही नहीं है, बस उनको पता है। कैन भी अपन को सपोर्ट नहीं कर रहा है, देव खाना सपोर्ट कर रहा है, लेकिन हो सकता है कोई धोखा दे दे। सो कोई धोखा दे उससे पहले हम ही धोखा दे देते हैं किसी को। देवखनाल चांस ही नहीं देंगे, क्या कोई धोखा दे सकता है? क्या सोच सकते हो कोई धोखा देगा? आप चांस ही ना दो। देवखनाल एकदम प्रिपरेशन कर रहा था, वार्ड बॉल अपन छोड़ने विचार छे ना कि न बने। वहाँ फरक पड़तेन थे वाइड हो कि राइट हो, बॉल तो बॉल होने फरक पड़तेन किटी कुन शिल्पा शेट्टी केस वगैरह है किटी तो किटी हो। राम्रो सर मात्र भन्दा हुँदैन, उहाँको तपाईँले एउटा बल पनि माथि उडाएको देख्न सक्नुहुन्न हावामा हानेको। देव खनाल हेर्नुहोस्, हेर्न सक्नुहुन्छ? चलो सिधा मार्ने के तुम सिधा हमको समझते हो, सिधा मारेंगे वो भी मार लेंगे, उल्टा भी मारेंगे, क्योंकि नाम ही देव है और दिल टूटा हुआ आशिक है हम। देव खनाल नाम है हमारा, रन बनाना काम है हमारा और धोखा पाना भी हमारा ही। नाम बोले, काम बोले, बदनाम बोले, जो बोलते हो बोलो। ये एक बार उठाया और आउट, देखो बोल रहे थे ना देव भैया मौका नहीं देने का, दिया मौका आउट कर दिया ना देव भैया, गलती नहीं करने का। आपको बहुत धोखा मिल रहा है, धोखा देने का चांस देना ही नहीं है किसी को। अब कौन आ गया भाई बैटिंग करने? कुशल बल्ला है क्या? वही लगता है मेरे को कुशल बल्ला है। कुशल बल्ला के कितने बैटिंग कराओगे भाई? उनसे जितना बैटिंग कराओ वो छक्का ही मारेगा, उनको पता है। बॉलर परेशान हो चुका है कि भैया कुशल मल्ला तुम बैट क्या खा के आते हो, सिर्फ छक्का ही छक्का मार रहे हो। देखो ये बॉल भी छक्का ना मार पे, वो डाउट ही है। उन्होंने इतना छक्का इधर बरसात किया है ट्यूब क्रिकेट ग्राउंड को, मुझे लगता नहीं कोई कोना बाकी होगा उनके बॉल उधर पहुंचने से। तो क्या करे, कुछ ना करे, बस देखते रहे। इनका बैटिंग देखिए आप, किनका बैटिंग? कुशल मल्ला का। ओ माय गुडनेस, और उनको बोला गया है कि भैया तुम सिर्फ छक्का मारते हो, हमको ये पसंद पड़ता नहीं है, तो थोड़ा चौका वौका भी मार करो, खाली छक्का मारेंगे तो कैसे होगा। तो उन्होंने डिसाइड कर लिया है भैया आप चौका मारना है, सिर्फ छक्का नहीं, क्योंकि सिर्फ छक्का मारते रहो बाकी देश के बॉलर तो ठीक है जैसे तैसे खेल लेंगे, अपने देश के बॉलर बॉलिंग नहीं कर पाएंगे, फिर उनको आप कोमा में ना बैठा दें, क्योंकि उनका छक्का भी वैसे ही होता है। बॉल उधर स्टेडियम बाहर जा रही था क्रिकेट बाहर। मेरा विचार में देख लो आप, आपको नहीं लगता है हम दिखा रहे हैं? देखो देखो आप, दीपेंद्र सिंह अरे अब पहला वाला हेलमेट है ना भैया, वही है दीपेंद्र वाला। इनको तो छक्का मारना आदत है और मार सकते हैं, मारिए है। ओ क्या बोले भैया, छक्का मारेंगे ऐसे समझ के वाइड ही दे देंगे आप, तो कैसे छक्का मार पाएंगे? ऐसा मत कीजिए ना,
थोड़ा रहम कीजिए हम पे, आप सिर्फ राइड तो भी किए, छक्का मारना वो हमारा काम है और हम मार लेंगे क्योंकि हमारा वो खून में है। सो ये बॉल क्या बोले, क्या बोले कि ना बोले, आप ही बोले, जो बोलना है आप ही बोले, हम ना बोले भैया। इधर जितना, क्योंकि हम भी बाय द प्रोफेशन बॉलर ही थे कभी, हमको पता है कितना दुख होता है, कितना नहीं बहुत ज़्यादा दुख होता है भैया। जिस हिसाब से चल रहा है इधर, बहुत ज़्यादा दुख होता है। आकाश त्रिपाठी पनिया कुछ प्रैक्टिस सेशन को लगे, अंडर 19 स्टार मके दिन पहले नाम भने को थे हजूर लगे, आकाश त्रिपाठी रवाने अनुवाच कोच बिलाइक निर्देशन। ए भाई तू ये कर रहे, चल चल अपने अपने इधर आ जा, तू इधर कर रहे, नहीं करने का, ये नहीं करने का, बस यही तो नहीं करने का था और वही तूने किया है। कोई बात नहीं, कर सकते हो, आपका नाम ही जब कुशल मल्ला तो क्या अब कुछ भी कर सकते हो। और वही हो रहा है भाई, जिसका नाम मल्ला हो, पहले ज्ञानेंद्र मल्ला था, अब कुशल मल्ला है भैया। ये नेपाल के मल्ला काल से लेकर अभी तक मल्ला ने राज किया है और करते रहेंगे, क्योंकि नाम तो है कुशल मल्ला लेकिन काम पता है ना आपको भैया, सिर्फ बॉल को बाहर भेजना ही काम है। एक दो और काम भी करते हैं, खा लेते हैं कभी कभी, इधर उधर घूम लेते हैं, टॉयलेट कर लेते हैं, लेकिन छक्का मारना तो हमारा आदत है, उसको ना सुधार पाओगे, वो ना कर पाओगे बेटा, छक्का तो हम मारेंगे और वही काम हो रहा है, बस बाखूबी निभा रहे हो। हाँ वही वही हो रहा है, वही हो रहा है। ये बॉल भैया छक्का मार दो, एक देखना चाहते हैं क्या बोले, ऐसा नहीं बोलने का। वाइट बॉल क्यों बिक रहे, वाइट बॉल नहीं 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 कराने का, वाइट बॉल, वाइट बॉल कराओगे तो कैसे छक्का मार पाएगा, चाहे कुशल मल्ला हो, ज्ञानेंद्र मल्ला हो, चाहे कोई भी मल्ला हो, लेकिन वाइट बॉल नहीं बोल कराने का। प्रतीश जैसी पनीर रेडी भैर आई से पिछन बैटिंग करने को लगी, प्रतीश जैसी था अच्छा जुटो ले, लेफ्ट आर्म बॉलर, राइट आर्म बैट्समैन, हम तो कस्त हो दया हाथ ले लेखने मान से बया ले लेखना सकते ना रौदी हर ले दया ले छक्का हाँ मान से बया ले बोल कर दी। सो मान से जीनियस प्रतीश हो, तस्तों मान से जीनियस नहीं हो, गुलशन झा अपनी वन अफ देम हो, हमें ठाक वहाँ को बैटिंग लेफ्ट हैंडेड कर, बॉलिंग राइट हैंडेड कर, देव खनाल इधर भी मार रहे हो क्या, एक सिर्फ मारना ही क्या, एक्सपेक्ट नहीं चल रहा है भैया। बस देव भैया इतना मारते हो, थोड़ा मौका मौका मिले तो रोहन मुस्तफा को मारिएगा और थोड़ा अली खान को मार दीजिएगा, बस वही हमारा नेपाली का सपना है, वही कीजिएगा भैया। देव खनाल और बने कुशल मल्ला, फिर अर्जुन सावधानी से बैटिंग करना है कुछ है ना,
हजरत भन्नुहुन्छ भिडियो बनाउनलाई आउनु भएको छैन म कसरी बनाउने अनि जब आउनुहुन्छ म भिडियो बनाउँछु किन हो किन थाहा भएन फिटनेस प्रब्लम छ के छ मलाई खासै थाहा भएन बट ब्याटिङ गरिरहनु भएको छैन उहाँ अहिले स्थितिमा जो होगा वही ना दिखाएंगे भैया हम अपना देखो हम बोल रहे थे ना भैया नहीं करना चाहिए था थोड़ा शॉर्ट पिच बॉल दिया और क्या किया कुशल मल्ला बॉल बाहर बॉलर को क्रिकेट से बाहर कर देंगे उनको पता है कोई बात नहीं ये बॉल अच्छा बॉल थे वाइड लेंथ के बॉल थे इसको 4 रन चलने दो उनका एक ही सोच है बस छक्का मारना है छक्का नहीं लंबा छक्का मारना है उनका एक ही कंपटीशन है कितना लंबा छक्का कौन मार पाएगा उनका भुरतिल का कंपटीशन आप करा दो ये लगता है दर्शक के सारे दर्शक को हेलमेट लगाना पड़ेगा जिस फॉर्म से वो चल रहा है जिस हिसाब से खेल रहे हैं कुशल भैया एक बार ये वाला छक्का मार थोड़ा बॉलिंग मशीन है कोई बात नहीं 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 ये बॉल थोड़ा ज़्यादा दिक्कत वाला बॉल था चलो फिर से स्टार्ट हो गया है बैटिंग कोई बात नहीं आप ही देखो आप ही जज करो कौन बेहतर खेलता है हमको तो डिफिकल्ट हो रहा है भैया कौन लंबा छक्का मार रहा है इधर सब छक्का ही मार रहा है देखो बॉलर का हालत इतना ख़राब हुआ है वाइड पे वाइड बॉल सिर्फ कुशल मल्ला को दिया जा रहा है कुशल मल्ला मारो भैया अंडर 19 को आकाश त्रिपाठी आकाश चंद श्री जनावन भाज प्रैक्टिस करना रहती हो राम रुकुरा ओ माय गुडनेस आर्ट ऑफ बॉली ट्वाइस करण के सी आज अपनी महेरी नौ वहाँ फिल्डिंग सेशन में फिल्डिङ बॉलिङ ब्याटिङमा अहिलेसम्म देखिनँ म सो करण केसी रोहित पौडेल दुईजना के प्रब्लम छ मलाई थाहा भएन करण केसी रोहित पौडेल दुईजना अनि करण केसी त आउनुहुन्छ उहाँ इन्जोर छ थाहा छ अर्जुन साउथ अर्को अर्जुन साउथले ब्याटिङ गर्नुभएको छैन खोइ के प्रब्लम मैले त्यो पनि बुझ्न सकेको छैन सो दिपेन्द्र सिङ्गेरी पहिलो हेलमेट लगाएको दिपेन्द्र सिङ्गेरी दाई ब्याटिङ गर्दै हुनुहुन्छ ओहो ये बॉल तो आउट होगा भैया कुशल मल्ला कोई बात नहीं इंसान से गलती होता है तो एक बार गलती कर लेते हैं और वही समझ के गलती कर बैठे ओ लो गलती क्या किए थे इस बार छक्का चौका ही मार
देखो भैया देखो वो छक्का, देखो कितना लंबा है। कुशल मल्ला क्या बोले, तो भाई नेपाल में आए थे काठमांडू तीर होने आ प्लीज कुशल मल्ला को एक छोटी बैटिंग हेन रहा छक्का हेन सिक्स सीटिंग पावर। क्या खा कर आए हो भाई, इतना पावर है आपने। रोहित कुमार पौडेल आज अपने अनुभव छैन, दैट इज द बिटर ट्रुथ, आई डोंट नो द रीजन। अर्जुन साउद आज अपनी बैटिंग अनुभव छैन, दैट इज द नेक्स्ट बिटर ट्रुथ, एंड करण केसे इज नॉट हियर, दैट इज इन फैक्ट वेरी वेरी बिटर ट्रुथ, बिकॉज ही इज वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर ऑफ अपने बाल बिग हिटर। अर्कोतिर भने देव खनाल र देव खनाल स्ट्राइकमा हुनुहुन्छ, देव खनाल र भीम सरकी ब्याटिङ गर्दछन्, यतातिर भने दिपेन्द्र सिंह छन्। देव खनालको लागि व्हाट यू डिड देव भैया, आपको फिर धोका चाहिए क्या, नहीं करो ऐसा, बोल रहे ना अपन। देव खनाल की बैटिंग देखो भैया, देखो थोड़ा अच्छा से देखो, पोल शॉट की प्रैक्टिस चल रहा है। ओ देव खनाल देखो आप उनको सिर्फ बता दो देव खनाल को किधर मारना है, फिर उधर ही स्ट्राइक पे देव खनाल ही स्ट्राइक पे, चलो चार रन देखना है ना बॉल को, चौका छक्का चौका देखना है तो आप हमसे कहाँ संपर्क कीजिए, मोबाइल नंबर इतना इतना, ठिकाना टी क्रिकेट ग्राउंड, नाम देव खनाल, छक्का देखना है तो। छक्का देखना है तो संपर्क करें कुशल मल्ला, मोबाइल नंबर इतना उतना, ठिकाना टीव क्रिकेट ग्राउंड। तो वही है सिक्स सीटिंग देखना है तो भूरतल भाई से कंफर्म करो, भेटो मिलो, वो सिक्स सीटिंग पावर दिखा देगा, किसी को पावर की कमी है तो मिलिए भैया, कुशल मल्ला से मिलिए, कुशल भूरतल से मिलिए, और बाकी किन से मिलना है आपको उनसे ही मिलिए, जिनसे मिलिए। अभी नेपाल में सारे छक्का ही मार रहे हैं, बस पता नहीं चलता कौन ज़्यादा छक्का मारेगा, किसका ज़्यादा लंबा छक्का होगा। सो वही तो है, आई थिंक आज के लिए बैटिंग प्रैक्टिस अभी अब तो नहीं हुआ है, लेकिन क्या भैया कुशल मल्ला सब बॉल बाहर ही मारना है क्या, कोई कोई बॉल तो अंदर भी छोड़ दो ना, कहने वालों को भी बहुत आर्थिक अवस्था कमज़ोर कर देंगे आप, फिर तो इतना बॉल बाहर फेंकोगे तो कोई बॉल हरा जाएगा, भुला जाएगा, पाए न बने, कैन को आर्थिक अवस्था हमें बुझ ना सकूँ पर था, हम खिलाड़ीहरू बुझ्न सक्नुपर्छ कहाँको आर्थिक अवस्था, र त्यही आर्थिक अवस्था बुझेर देव खनाल एकदम चौका प्रहार गर्दै हुनुहुन्छ, बट कुशल मल्ल बिलाइक मलाई बालै प्रब्लम भएन नि, कसको आर्थिक अवस्था के छ, मेरो जे काम छ म त्यो गर्छु, अपन आदत से मजबूर है, छक्का मार्ना ही अपनका विशेषता है और वो करेंगे। कुशल मल्ला मारो भाई फिर मारो, आपको बस फ्री दिया गया है, छक्का मारना है जितना मारो, क्या पता मैच में मार पाओ ना मार पाओ, मैच में तो मारेंगे लेकिन हम अभी भी बोलेंगे वन डाउन के प्लेयर नहीं है, वन डाउन उनसे मत उनके मत उनको मत खिलाइए, ही इज द प्लेयर ऑफ
3-4 डाउन, उनको सिर भेजिए और बोलिए जाइए भैया। वो आप देख रहे हैं ना स्टेडियम के बाहर, वो वाला थोड़ा आदमी देख रहे हैं ना बाहर के, वो थोड़ा उधर ही मारना है, जाइए छक्का ही मारना है सिर्फ, फिर उसके बाद कंपटीशन करा लो किसी से, पता चलेगा आपको गुलशन झा कप। पता चलेगा गुलशन झा के पावर क्या होता है। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। संदीप लामी छाने यतातिर बैटिङ गर्दै हुनुहुन्छ, संदीप लामी छाने को बैटिङ हेर्न सक्नुहुन्छ। यतातिर भने को आउनु भएको छ, आई थिङ्क सम्पल कामी हुनुपर्छ, सम्पल सम्पल कामी हुनुपर्छ, हो हुनै पर्छ। यस्तो छैन कि मैले भने त हुनै पर्छ, जे छ त्यही म भनिरहेको छु, सो हुनै पर्छ। अलराउन्डरहरू ब्याटिङ गर्दैछन्, क्या बोले हम। ओ लो संदीप लामी छाने, ज़्यादा हमको संदीप समझ के क्या समझे, भोला होंगे हम नहीं, अपन करेंट है शुद्ध प्लस। संदीप लामी छाने को पावर हमें एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, हाम्रो नेपाल क्रिकेट को लागि र नेपाली मान्छेहरूको लागि, किनभने उहाँ हिज फेमस फर हिज पावर आइदर अफ द फिल्ड अर अन द फिल्ड, सो बी स्योर जे गरे पनि पावर देखियोस्। संदीप लामी छाने द जायंट ऑफ नेपाली क्रिकेट, द लेग स्पिनर, द ग्रेटेस्ट स्पिनर ऑफ नेपाल ऑल टाइम एवर प्रोड्यूस, शक्ति कोचन, बसंत रेग्मी एंड द संदीप लामी छाने इज वन ऑफ देम। यू कैन जस्ट काउंट द बैट्समैन, हार्ड हिटिंग बैट्समैन ऑफ नेपाल एंड द वेरी गुड टेक्निकल बैट्समैन ज्ञानेन्द्र मल्ल इज इन द बैटिंग लिस्ट। अफकोर्स पारस खड़का कम्स टू द फर्स्ट एंड देन very new talented young batsman joining the squad, so it is very early to judge who can join the team of Paras Katka and Ganendra Mala into the batting side, but for now Gulshan Jha ko batting herna saknu huncha ke garcha waha, Gulshan Jha bold huncha hau, Gulshan Jha bold. गुलशन झा आप ऐसे बोल्ड हो जाओगे, आप ही ने वो मैच जिताया था पर आप तो आज बोल्ड ही हो गए, ऐसा मत करो, इतना ज़्यादा एक्सपेक्टेशन के साथ हम आए थे, क्या कर दिया आपने, लेकिन कोई बात नहीं, अगला बॉल से बोल्ड नहीं होने का, अगला बॉल से सिर्फ चौका छक्का मारने का भैया, और वही होगा कि आप उनका वादा रहा। गुलशन झा की बैटिंग आप देख सकते हो, गुलशन समझ के हमको फ्लावर समझे क्या, अपन फायर है भाई, वही हुआ था पिछले मैच में नेपाल वर्सेस यूएई, हम बहुत बोल रहे थे ए भाई गुलशन क्या करते हो तुम, इतना स्लो मत खेलो, क्या भाई अपन स्लो भी खेल सकता है फास्ट भी खेल सकता है, और वही किया वासिम भैया के तौन तौन मार मारा उस दिन कि एक बार 22 रन मार दिए, अब उसी मार से अभी वासिम भैया कोमा से बाहर नहीं आ पाए हैं।
संदीप लामिछा ने इज नोन फॉर इज पावर र छक्का हाने को छा संदीप लामिछा ने छक्का हाना उत के इज छा जति परचंड ले सरकार बनाने की इच्छा ते भई रह छे यहाँ हेर न सकनु हिंसा हजुर हरु मां यहाँ ललित नारायण राज मानसी को या बाल संदीप लामिछाने को यो पनी छक्का जान छे क्या हो जान छे ऑफ कोर्स जान छे कि वो बैट्समैन संदीप है तो क्यों नहीं छक्का जाएगा भाई संदीप लामिछाने द हार्ड हिटिंग ही इज नोन फॉर हिज पावर आइदर ऑफ द फील्ड और ऑन द फील्ड एक और छक्का है क्या लगातार तीन छक्का संदीप लामिछाने क्या उनको आप बॉलर समझे थे क्या तो दोनों करेगा बैटिंग भी करेगा भाई छक्का भी मारेगा और लो कुशल मलक के बॉल पे थोड़ा बोल्ट हो चुका है कोई बात नहीं उल्टा शॉट रिवर्स स्वीप मारने का प्रयास किया था लेकिन कोई बात नहीं पता है ना देव समझ के दिलदार समझे थे क्या अपन धोखा भी दे सकता है गुलशन झा के बैटिंग तो देखो आप क्या करेंगे वो आए गुलशन भैया इतना मत मारा हो तो बॉलवे के गोल के गोले बना देबो और छूट बना देबो तो ऐसे मत खिला लॉलीपॉप खिया के मारा तड़का हो भैया आप इस टाइप में आज सके छा संपाल खामी 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 संपाल खामी हमी संपाल खामी हमी यो बॉल ओ कोई बात नहीं है चार रन था अपन चार का प्रैक्टिस कर रहा है अभी चक्का नहीं मारने का है भाई जो चल रहा है वो चलने देने का है न सकनु हुन्छ अर्जुन साउथ उता डिरेक्सनमा आउँदै हुनुहुन्छ पिचमा र उहाँ भने बैटिंग गर्नु भएन अर्जुन साउथ उता म देखाउँछु पहिले सेतो अर्जुन साउथलाई म फोकस गर्दैछु अर्जुन साउथ आउनु भइरहेछ उहाँ टोपी लाउनु भएको छ ब्याटिङ गर्नु भएन किन गर्नु भएन मलाई थाहा छैन हजुर अर्जुन दाईसँग गफ गरेँ बट मतलब अब अर्को दिन म भ्याएँ भने सोध्छु अर्जुन दाईको फिटनेस प्रब्लम के प्रब्लम छ किन ब्याटिङ गर्नु भइरहेको छैन सो अब स्क्वाड घोषणा हुन मात्र एक दुई दिन मात्र बाँकी छ दुई दिनको भित्रभित्रमा स्क्वाड आइहाल्छ इट इज बेटर टु मेरो विचारमा लागिरहेको छ अर्जुन साउथ स्क्वाडमा पर्दैन कि क्या हो पर्दैन करण केसी पनि पर्छ कि पर्दैन हौ पर्दैन सो को पर्छ देव खनाल पर्छ ज्ञानेन्द्र मल्ल पर्छ कि पर्दैन पर्छ अफकोर्स पर्छ किनभने ज्ञानेन्द्र मल्ल कसरी पर्छ भन्दाखेरि अलिकति एक्सपिरियन्स अनुसार पर्छ सोमपाल कामी पनि पर्छ रोहित कुमार पौडेल अनसर्टेनिटी पता नहीं अपन को भाई वो कहाँ है किधर है क्या कर रहा है क्योंकि हमने देखा नहीं तो बता कैसे सकते हैं भाई तो अभी के लिए इतना ही समाचार बोले क्या नहीं थोड़ा ज़्यादा समाचार बोलना था संदीप लामिछा ने सिक्स सीटिंग प्रैक्टिस चल रहा है सिक्स सीटिंग नहीं है भैया थोड़ा और ज़्यादा है ओहो हो छक्का मन छक्का अन्दा छ संदीप लामिछा ने लगातार दुईटा छक्का फरार गरेको छ संदीप दाई अर्को छक्का हान्नुहोस् न हामी हेर्न चाहन्छौँ संदीप दाई ए संदीप दाई हो कि प्रतीश जीसी हो प्रतीश जीसी आई थिंक छक्का चौका चल रहा है सिर्फ इधर पिच में हमको लगता है भैया जितना टूर्नामेंट में छक्का नहीं लगेगा उतना छक्का तो इधर आज ही लग गया है जिस तरह से छक्का लग रहा है क्या बोले हम तो एउटा कुरा कन्फर्म छ प्रतीश जीसी खेलने चांस दे रहे छ जो हिसाब को वहाँ को बैटिंग छ ओहो हो अर्को बल पनि उठाइदिएका छन् र यो पनि छक्का हुन्छ हुनैपर्छ किनभने नाम पता है न तेरेको क्या नाम है
वो पता है अब संदीप लामिछाने आया है बैटिंग में। हम जब वो बोल रहे थे ना बैटिंग में छक्का लग रहा है, वो संदीप नहीं था, वो शायद हम मिस्टेक हो गए, हमको लगा एक ही संदीप है, नहीं दूसरा भी है, बस नाम थोड़ा अलग है प्रतिष्ठी से। संदीप लामिछाने ने उड़ा कर मारा है और ये आउट भी हो सकता है, और आउट हो गया, कैच मिस हुआ, कोई बात नहीं, उधर मिस नहीं होगा, ये बात ख्याल करके रहना है। दीपेंद्र सिंह एरी को यह बॉल मारा, प्रतिष्ठी को पावर हिटिंग हुई, ओहो क्या राम रोस और संदीप लामिछाने को, ये तो गुलशन झा और कुछ संदीप लामिछाने। देखो नेपाल के बॉलर भी इतना छक्का मारता है जितना किसी देश के बैट्समैन नहीं मार पाएगा। चलो यही तो गलती नहीं करना था भैया, और कर दिया आपने, अब आ गया है तेरा सबका बाप। कौन है भाई ये सबका बाप, यही है प्रतीश जी। देखो ना भाई छक्का देखो ना, सोरा थोड़ा छक्का नहीं वो मिस हुआ है। प्रतीश जी की बैटिंग आप देख सकते हो, एक नेट में प्रतीश जी है, दूसरा नेट में गुलशन झा है, लेफ्ट हैंड नेट गुलशन झा, राइट हैंड नेट प्रतीश जी, कोई बात नहीं, प्रतीश जी को पता है सिर्फ अपन को छक्का ही मारना है। और देखो एक दो बॉल के भीतर एक छक्का आ रहा है, मैं बोल रहा हूँ ना, और ये होगा भी, देखिएगा ये बॉल भी छक्का आ सकता है, बहुत ज़्यादा चांस है, लॉट मोर चांस ये बॉल छक्का आ जाए, आ भी सकता है। आ गया ना भैया, हम बोले थे मारेंगे, मारा ना छक्का, प्रतीश जी से है नाम अपन का। प्रतीश समझ के प्रयोग किया था क्या, अपन जीसी भी है, गेम खत्म कर डालेगा। संपल कामी को बैटिंग, और को तीरे राइट हैंडेड, एक तीर बने प्रतीश जीसी को, दीपेंद्र सिंह की बॉलिंग प्रतीश जीसी को लागे, ओहो ये अपन छक्का, अच्छा तो रखिए इच्छा ही ना, प्रतीश जीसी को छक्का हारने बानी था, अच्छा हमने पांच छोटा छक्का लगातार हारने के, ठीक है चार बड़ा छक्का, तेज पीछे वहाँ फेमस में बात है, वहाँ को बॉलिंग पर तेज छा, बैटिंग पर तेज छा, कसको बॉलिंग बैटिंग कसको कसको कम छक्का भैर यार, सब छक्का ही हानिरा यहाँ तो। अफकोर्स सुम्पाल कामी मात्र न छक्का हाने को कि क्या हो, किनभने सबले छक्का हान्न थाल्यो भने कल कमाउँछ, कसरी खाने, सब थोक इम्पोर्टेन्ट छ। हजुरहरू लाइक सब्सक्राइब गर्नुहोला, म डेली भिडियो डेली प्र्याक्टिसेसन अपलोड गर्छु, डेली म आएर यहाँ भिडियो बनाउँछु हजुरहरूको लागि, थोडा माया तो लगता है न भैया, तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि जब हम इतना मेहनत कर रहे हैं हमको दिखाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इधर आके वीडियो रिकॉर्ड करने में प्रॉब्लम नहीं, तो आप देखने में प्रॉब्लम मत कीजिए। आप देखिए जब इधर हम आके दो घंटा रिकॉर्ड कर सकते तो आप दो घंटा देख भी सकते हैं। देखिए लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए, और क्या बोल सकते हैं, और ये लीजिए संदीप लामिछाने ने छक्का मारने का प्रयास किया था, लेकिन छक्का तो नहीं होगा भैया, ये आउट है, और आउट ही है। संपल कामी कोई बात नहीं, आउट था, बॉलिंग मशीन को समझ पा, आज का अभी के ज़माने में तो आदमी को नहीं समझ पाते हैं लोग, बॉलिंग मशीन को हम कैसे समझ पाएंगे, मशीन को समझ पाना जब आदमी को समझना मुश्किल से नामुमकिन होते जा रहे, तो कोई बात नहीं है। प्रतीश जी की बैटिंग तो थोड़ा देखो, मारो भैया छक्का मारो, नहीं हुआ है छक्का, नहीं हुआ है, प्रतीश जी से इस बार प्लेइंग 11 में खेल रहा है मेरे विचार से, आई थिंक लेफ्ट आर्म बॉल और मीडियम फास्ट, मेरा बैटिंग था अच्छा, वहाँ को छक्का है नहीं, ये बॉल छक्का होना सकता, ओहो ललित नारायण राजवंशी को बॉल, अरे नाम सुने तो पर नाम सुन के डर रहा है क्या भैया, छक्का मार सकते हैं तेरा कैपेबिलिटी उतना है, ओ लो आउट हो जा। मरीलाल छाबा देखी को प्रैक्टिस नेपाल को चौका हानने या सिंगल हानने मात्र हो, छक्का जो हिसाब से हानता सब जना
दिस इज संदीप लामिछाने बैटिंग करते हुनुहुन्छ। अब संदीप लामिछानेको बैटिंग यता गुलशन झाको बैटिंग कसको बैटिंग हेर्नुहुन्छ दुबईको हेर्नुहोस् किनभने दुबई हाम्रै हुन् नेपालको कहना सिधा स्टेटमा 4 रन प्राय खेलिदिएका थिए। चौका हुन सक्थ्यो र चौका नै भएको छ भैया छाका तो मारो थोड़ा नहीं वो बल नहीं मार सकते हम उल्टा जो मारना था हमको